नमस्कार, मैं हूँ आंचल। अयोध्या को भव्य और अद्भुत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहाँ पहुँचने के साधन से लेकर ठहरने के इंतजामों को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। अयोध्या को अद्भुत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ कई सौगात दी हैं, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। आज विशेष में बात इन्हीं सौगातों की। आज सुबह अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने माहौल को एक बार फिर राममय कर दिया। प्रधानमंत्री का यह दौरा देश के लिए बहुत ही खास रहा। उत्तर प्रदेश की अयोध्या को नया लुक दिया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाली प्रभु राम के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या का माहौल अलग ही बना दिया है। करीब 15 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो हुआ। इस दौरान भारी संख्या में जुटे लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम अमृत भारत ट्रेन में पहुंचे। स्लीपर और जनरल क्लास की इस ट्रेन को उन्होंने भीतर से देखा। इसमें सवार छात्रों और जनकपुरी से आए लोगों से बातचीत भी की। अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी। देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। यह हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसमें जन सामान्य के लोग यात्रा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्टेशन पर हुए तमाम विकास योजनाओं का निरीक्षण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें विकास योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या को दी गई सौगात देश के लिए भी बहुमूल्य है। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शनिवार को अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रोड शो किया, उसके बाद दलित के घर चाय पी। वह महिला सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला भारत योजना की लाभार्थी है। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर गए। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अयोध्या में पीएम मोदी ने दलित महिला मीरा मांझी से मुलाकात की और उनके घर बनी चाय पी और बच्चे के साथ फोटो भी खींचे। मीरा मांझी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा के घर कुछ देर तक रुके। इस दौरान उन्होंने घर वालों से बातचीत की और चाय पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान पूरे अयोध्या नगरी को एक किले में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए हर सावधानी भी बरती गई। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर रही। पूरी अयोध्या में करीब 6000 सुरक्षा कर्मी तैनात कर इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की कमान SPG ने संभाली। धर्मपथ व रामपथ पर टेढ़ी बाजार तक सड़क की दोनों पटरियों पर बैरिकेटिंग लगाकर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए, हम लोग जल्दी से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल टाइम रहता है। तो हम लोग सारी कार्रवाइयां करा रहे हैं और जो फोर्स है उसको एक बार से सेंसिटाइज करना, जो लास्ट टाइम पे जो किया जाता है, वो सारी कार्रवाइयां चल रही है। बाकी सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण कर ली गई है और हम आश्वस्त हैं कि सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न होगा।
बिल्कुल 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 पूरी तरह से की गई और सभी लोगों को इसमें पूरी तरह से सचेत किया गया और हम लोग लगातार उसका अनुश्रवण कर रहे हैं। धर्म पथ से राम पथ तक की करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर बांस बल्लियों व लोहे की जाली से बैरिकेडिंग की गई। इससे दोनों पथों पर गली मोहल्लों से मुख्य मार्ग पर आने वाले मार्ग बंद हो गए। इन संपर्क मार्गों पर चौराहों तिराहों व पीएसी पुलिस बल के साथ यातायात कर्मियों को तैनात किया गया। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी एयरपोर्ट गेट के नंबर 3 से निकलकर रोड शो करते हुए अयोध्या धाम स्टेशन पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन मंदिरों की नागर शैली के शिखर की तर्ज पर गुंबद और भगवान राम के प्रतीक चिन्ह धनुष बाण से सुसज्जित है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला कर दिया था। उसके बाद 2021 में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। स्टेशन के अगले हिस्से में 2 छतरी बनी है। अयोध्या स्टेशन की नई इमारत के सामने लगाए गए बिजली के खम्भों के ऊपर धनुष बाण की आकृति भी बनी है। अंकुर कुमड़िया, सी न्यूज। अयोध्या को अद्भुत बनाने में जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे हैं, वहीं ऐसे में अयोध्या से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे गमलों को उनके दौरे के बाद स्थानीय लोग लूट कर ले गए। कैमरे में कैद हुए एक व्यक्ति ने तो इस पर सफाई तक दे डाली। दादा क्यों ले जा रहे हैं इसको उठा के? तो प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाया गया था इसको, आप लोग उठा के ले जा रहे हैं? अच्छा, तो ये सब लोग अब ले जाएंगे उठा के? ऐसे में अयोध्या को उसके भव्य रूप में कब तक संजो कर रखा जा सकता है, इस पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आज विशेष में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल होगी फिर से मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। राम सिया राम।